हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ मनोज कुमार और आज मैं आप लोग को एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 13 होगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर। इसके पहले लेक्चर नंबर 12 में मैं आप लोग को पढ़ा चुके थे टाइप्स ऑफ वाटर, यानी वाटर का कितना टाइप्स है, पोटेबल वाटर क्या है, पोल्यूटेड वाटर क्या है, सबके बारे में बता चुके थे। और फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर में मैं आपको बता दिया था सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में बता दिए थे कि सस्पेंडेड सॉलिड किसके कारण होता है, यानी वाटर में जब क्ले पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल्स मिला होता है तो क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड उसमें होता है वाटर में। तो आपको और बताया था कि फिजिकल टर्बिडिटी, इसके बारे बाद हम आप लोग को बताया था टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी किसके सोर्स के कारण होता है, क्या सोर्स है इसका। तो टर्बिडिटी का सोर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड कोलाइडल सॉलिड इन वाटर, यानी कितना सस्पेंडेड सॉलिड किसको बोले थे कि वाटर में मेरा कितना सिल्ट पार्टिकल मिला हुआ है, क्ले कितना है, सॉइल पार्टिकल्स कितना मिला हुआ। तो इससे हम टर्बिडिटी पता करने के लिए अब इसको एक क्या करते हैं, इसमें हम टर्बिडिटी को हम पता करने के लिए हम लाइट से इसको जनरली देखते हैं। तो क्या है, टर्बिडिटी इज द रेसिस्टेंस टू पासेस ऑफ लाइट थ्रू ए वाटर, यानी कितना वाटर में क्या लाइट एब्जॉर्ब होता है या स्कल्टिंग होता है। तो इससे हम पता कर लेते हैं, एक गेज लगा हुआ रहता है, गेज से हम पता कर लेते हैं कितना इतना टर्बिडिटी है इस वाटर में। अब हमारा पोर्टेबल वाटर के लिए कितना टर्बिड वाटर हम पी सकते हैं, तो हम आपको बताया थे कि 5 से 10 ppm तक अगर वाटर में टर्बिड है तो उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर के रूप में हम वाटर को हम पी सकते हैं उतना टर्बिड वाटर तक। इससे ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा तो वो कॉज रिएक्शन हो, उस वाटर को हम पी नहीं सकते हैं। 10 से ज्यादा होगा तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है तो उस वाटर को हम पी नहीं सकते हैं। तो आगे हम बताए थे फिजिकल पैरामीटर में इसको मेजर करने का तरीका, पहले आपको बताया था टर्बिडिटी रॉड के बारे में, तो उसमें हम बताए थे इसमें एक रॉड होता है जिसमें कंटेन होता है प्लेटिनियम निडल होता है और वो निकेल एंड ग्रेजुएट उसमें स्केल लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसको हम एक फील्ड मेथड जनरली थे, नदी का पानी, पोखर का पानी, यानी कोई भी पानी को फील्ड में अगर मेजर करना है तो उसको हम वाटर में डाल देते थे, पानी में डाल देते थे और देखते थे जहां तक वो दिखना बंद हो गया उसमें गेज लगा हुआ था। आपको बताया था कि प्लेटिनियम निडल अगर देखना बंद हो जाता था तो उस गेज जिस गेज तक रेंज तक दिखना बंद हो जाता तो उसमें हम पता कर लेते थे कि वाटर कितना टर्बिड है, ठीक है। आगे आपको बताएंगे जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, ए सेकेंड मेथड है टर्बिडिटी मेजर करने का। तो ए मेथड में हम क्या करते हैं, जनरली एक स्टैंड लेते हैं, मेटालिक स्टैंड होता है और नीचे एक कैंडल लगा देते हैं और ए भी एक ट्रांसपेरेंट टेबल होता है, ट्रांसपेरेंट फ्रेम है और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब रख देते हैं जो ग्रेजुएट ग्लास, इसमें ग्रेजुएट नम होता है कि इतना टर्बिड एक ग्रेजुएट स्केल ग्रेजुएट होता है, ठीक है, ग्रेजुएट एक ग्लास ट्यूब है जिसमें नीचे से इसको मेजर करते हैं, इसमें बॉटम से मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करने का क्या तरीका है, कितना वाटर टर्बिड, ये जनरली लैब मेथड है। इसमें क्या करते हैं, वाटर को हम ग्रेजुअली एड करते हैं तो देखते हैं कि कितना लाइट तक ये मेरा अगर वाटर इसमें ऐड कर रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा ऐड किए, अब मेरा ये जो फ्लेम जल रहा है कैंडल का ये दिख रहा है अभी तक, फिर और ऐड किए फिर दिख रहा है, फिर और ऐड किए अब दिखना बंद हो गया। तो जिस रेंज तक दिखना बंद हो जाता है कैंडल का ये फ्लेम, फ्लेम है ये दिखना बंद हो जाता है तो उस रेंज तक हम समझ जाएंगे कि ये वाटर इतना टर्बिड है, इतना इसमें टर्बिडिटी पार्टिकल्स है, इतना ही वाटर। अगर और ऐड कर दिए अभी भी दिख रहा है, मतलब कि वाटर पोर्टेबल वाटर है, वाटर को हम पी सकते हैं, अच्छे वाटर, उसमें टर्बिड वाटर नहीं है, ठीक है। तो जितने रेंज तक वाटर मेरा दिखना
बंद हो जाता है तो उसमें बोलते हैं कि इतना ये वाटर में टर्बिड है। अब इसका मेजर करने का तरीका, इसको मेजर करते हैं जेटीयू में। जेटीयू मतलब कि जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। इसको मेजर करते हैं, क्या चीज़ में, इसको मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है जी, इसका यूनिट है जेटीयू, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। तो इसको नीचे से जनरली मेजर करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जितना डेप्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है जी, डेप्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टर्बिडिटी। डेप्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है टर्बिडिटी। अगर कम डेप्थ पे ए, अगर डेप्थ ज्यादा है, ज्यादा डेप्थ पे तो टर्बिडिटी कम होगा। अगर वाटर का लेवल वाटर ऐड किए और यहां तक फ्री में मेरा दिख रहा, मतलब उसको वो वाटर जो है कम टर्बिड है, उसमें टर्बिडिटी की मात्रा कम है, ठीक है। अगर कम में डेप्थ पे हमको दिखना बंद हो गया, मतलब कि वाटर बहुत ज्यादा टर्बिड है, वाटर तो ये जनरली, और इस वाटर ये जो मेथड है ये जनरली ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं करते हैं। और ये जो मेजर करता है, ये जो मेजर करता है 25 जेटीयू से ज्यादा, यानी 25 पीपीएम से ज्यादा वाटर को ये मेजर करता है। 25 पीपीएम से ज्यादा जो टर्बिड वाटर होता है उसी को मेजर करता है। और हमारे पोटेबल वाटर के लिए कितना होता है, 5 से 10, तो 25 पीपीएम तक के वाटर को, 25 पीपीएम से ऊपर के वाटर को मेजर करता है। 25 पीपीएम के ऊपर के वाटर को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है ना। 25 पीपीएम के ऊपर के वाटर को क्या करता है, मेजर करता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो बोलता है दिस मीटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेजुएट सिलेंडर विथ वर्निंग कैंडल। ए ग्रेजुएट सिलेंडर होता है, ए जो है ग्लास का होता है, ग्रेजुएट सिलेंडर होता है, और ए ग्लास सिलेंडर, यहां लिख दीजिए ग्लास सिलेंडर होता है, ग्लास सिलेंडर विथ बर्निंग कैंडल, और उसके नीचे क्या करते हैं, कैंडल को जला देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कैंडल मेथड भी कहते हैं, कैंडल इसका एक और नाम है, कैंडल मेथड भी कहते हैं इसको। अब देखेंगे इसमें और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी वाटर इज एडेड सच दैट द कैंडल फ्लेम जस्ट डिसअपीयर्स। मतलब कि जब वो दिखना, जब वो वाटर में कैंडल डिसअपीयर हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि उतना पीपीएम मेरा, यहाँ गेज लगा हुआ है तो वहां तक दिखना बंद हो जाएगा, तो उतना पीपीएम मेरा क्या है, उतना पीपीएम मेरा वाटर में टर्बिड है, उतना वाटर टर्बिड है। अब देखेंगे, अब बोलता है लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज। अगर लेवल ऑफ वाटर ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, टेल इमेज ऑफ फ्लेम डिसअपीयर। अगर वाटर का लेवल इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये फ्लेम जो है, ये कैंडल फ्लेम जो है दिखना बंद हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि उतना ये क्या है, टर्बिड है। इसलिए बताया था कि डेप्थ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसमें टर्बिडिटी का, ये पूछता भी है, ठीक है ना, इससे भी पूछता है प्रश्न। अब ये जो मेथड है, दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इस मेथड का यूज हम नहीं करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि ये 25 पीपीएम से ज्यादा वाटर को ये मेजर करता है। ये जो है दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्यों, क्योंकि ये 25 ग्रेटर देन क्या होता है, ये मेजर कितना वाटर टर्बिडिटी करता है, 25 पीपीएम से ज्यादा वाटर को ये क्या करता है, मेजर करता है। और हमारे पोर्टेबल वाटर के लिए कितना पीपीएम होना चाहिए, 5 से 10 ही होना चाहिए। इसलिए इस मेथड का यूज हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हाइट, फिर मॉडर्न आया तो हम पोर्टेबल वाटर को भी हम वहां मेजर कर सकते थे, तो एक और मेथड आया बर्लिस टर्बिडिटी मीटर, और उसी को बोलते हैं नेप्थलो टर्बिडिटी मेथड भी बोलते हैं। तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद में तो वो जो था वो एक पीपीएम से लेकर 5 पीपीएम तक के रीडिंग को वो मेजर कर सकता था, तो इसलिए वो पोर्टेबल वाटर के लिए वो एडवांस टेक्नोलॉजी था, तो पोर्टेबल वाटर के लिए वो यूज होगा, ठीक है ना। अभी तक दोनों मेथड पढ़े, उसमें पोर्टेबल वाटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखिए आप आराम से।
नेक्स्ट मेरा है तीसरा टाइप बर्लिस टर्बिडिटी मीटर, या इसी को बोलते हैं, इसी को एडवांस एक और भी है नेप्थलोमीटर। ये दोनों जो है, ये दो है एक्चुअली, तो ये दोनों जो है जनरली स्केल्टिंग ऑफ लाइट पे प्रिंसिपल डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट एक कलर मैचिंग कराते हैं। इसमें दो ट्यूब में हम वाटर को लगते हैं, एक जो एक्चुअल है, एक्चुअल जो वाटर है, एक टर्बिड, तो उससे हम कलर मैचिंग कराते हैं। इसमें लाइट उसके अंदर बल्ब लगा देते हैं, रिफ्लेक्ट उस पर करता है, तो उसपे हम जनरली कितने कलर पे वो मैच कर रहा है। तो कलर ए जनरली इसमें क्या होता है, स्केल्टिंग ऑफ लाइट प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। और ये टर्बिडिटी जो है ये थोड़ा एडवांस है, तो ये टर्बिडिटी जो है लेस देन 1 ppm से कम को भी ये मेजर कर लेता है। एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए लेस देन 1 ppm से कम के टर्बिडिटी को भी मेजर कर लेता है। इसलिए इसका यूज हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इसका मेजरमेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 ppm से कम के भी टर्बिडिटी को मेजर कर लेता है। इसलिए जनरली वाइडली इसका यूज जो होता है घरेलू पर्पस के लिए होता है। किसके लिए होता है जनरली, सो मोस्ट वाइडली यूज फॉर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी इसको यूज करते हैं। अगर इसका यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है NTU, नेप्थलोमीटर टर्बिडिटी, लेप्थ्रो टर्बिडिटी यूनिट भी कहते हैं, लेप्थ्रोमीटर टर्बिडिटी यूनिट भी होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है, जो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, तो एक NTU, और परमिसिबल लिमिट मतलब इससे ज्यादा परमिसिबल नहीं हो सकता, तो 5 NTU तक वो परमिसिबल लिमिट है। 5 से ज्यादा होगा तो कॉज ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, वो रिजेक्शन हो जाएगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको यूज नहीं करें। इतना ही ये परमिसिबल लिमिट, इसको कितना 1 से लेकर 5 NTU तक ये मेजर कर सकता है टर्बिडिटी को, ठीक है। तो ये आपका टर्बिडिटी मेजरमेंट तीन तरीका इसमें बताया, तीनों मेथड को हम समाप्त कर दिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कलर और भी अगला फोर्थ जो है आपका फिजिकल पैरामीटर्स में अगला बताता हूँ, तो इसको आप लोग आराम से लिखिए। नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर्स है कलर्स। तो जनरली वाटर जो होता है कलरलेस होता है, तो उसमें कलर किसके कारण होता है, वाटर कलरलेस होता है तो कलर किसके कारण होता है बाबू, या तो सस्पेंडेड सॉलिड के कारण होगा, नहीं तो डिजॉल्व सॉलिड के कारण होगा। तो वाटर का जो अगर बात करते हैं, अपीयरेंट कलर की बात करते हैं, तो अपीयरेंट कलर जो वाटर में होता है वो होता है सस्पेंडेड सॉलिड या डिजॉल्व सॉलिड के कारण। अपीयरेंट कलर किसके कारण होता है, अपीयरेंट कलर इज प्रोड्यूस सस्पेंडेड मैटर या डिजॉल्व मैटर के कारण होता है, डिजॉल्व सॉलिड के कारण होता है। अब देखेंगे वाटर में अपीयरेंट कलर किसके, डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड में क्या होता है, सैंड क्ले सॉइल ये सब होता है सस्पेंडेड सॉलिड में, और डिजॉल्व सॉलिड में क्या होगा, वाटर में मैग्नीज होगा, आयरन की मात्रा होगा, तो ये सब के कारण क्या होगा, ये सब के कारण क्या होगा मेरा ए डिजॉल्व सॉलिड। तो अब देखेंगे अपीयरेंट कलर, जैसे कि नदी का पानी है तालाब का पानी है, नदी का पानी तालाब का पानी, ये सब वाटर में अपीयरेंट कलर जैसे कि येलो दिखता है, ठीक है। तो ये अपीयरेंट कलर वाटर का, अगर एक्चुअल वाटर का ट्रू कलर की बात करें तो वाटर में ट्रू कलर होता है ओनली डिजॉल्व सॉलिड के कारण, ओनली डिजॉल्व सॉलिड के कारण, जिसमें वाटर में मिनरल्स होती है, जिसमें वाटर में क्या होती है मिनरल्स होती है। नॉर्मल वाटर में अगर बात करते हैं, अगर नॉर्मल वाटर की बात करते हैं तो ये ट्रू कलर इसका होता है डिजॉल्व सॉलिड के कारण, आयरन के कारण, मैग्नीज के कारण, इसमें ट्रू कलर होता है वाटर का, ठीक है। अब बात करते हैं इसको मेजर क्या चीज से करते हैं, कलर को क्या चीज से मेजर करते हैं, तो कलर को मेजर करते हैं टिंटोमीटर से। वाटर में कलर को किससे मेजर करते हैं, टिंटोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, टिंटोमीटर से। अब देखते हैं टिंटोमीटर को क्या करते हैं, टिंटोमीटर किससे मेजर करता है, तो टिंटोमीटर मेजर कलर इन वर्गस,
वर्गस, बर्गर में बोलिएगा वर्गस स्केल इन टर्म ऑफ टीसीयू, किसके टर्म में मेजर करता है, टीसीयू के टर्म में, ट्रू कलर यूनिट, यहां लिख दीजिएगा ट्रू कलर, ट्रू कलर यूनिट, टीसीयू का मतलब ट्रू कलर यूनिट होता है, ठीक है। अब ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो कितना ड्रिंकिंग वाटर इसका स्टैंडर्ड कितना होता है वाटर का, 5 to 20 TCU, ट्रू कलर यूनिट। अब देखते हैं वाटर में, अब थोड़ा नोट करके लिखिएगा, वाटर में अगर रेडिश कलर किसके कारण आता है, वाटर में रेडिश कलर आता है, रेडिश कलर आता है आयरन ऑक्साइड के कारण आता है, मैंगनीज ऑक्साइड के कारण आता है, ब्राउन या ब्लैक कलर आता है वाटर में, मैंगनीज की मात्रा अगर वाटर में ज्यादा है तो वाटर कैसा दिखेगा, ब्राउनिश दिखेगा या ब्लैक दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमिक एसिड के कारण येलो वाइज ब्राउन एसिड दिखता है, ह्यूमिक एसिड के कारण येलो ब्राउन कलर दिखता है वाटर का, ठीक है। या फिर ह्यूमन जो सब जो आप स्लग वगैरह जनरेट करते हैं, लैट्रिन करते हैं, तो वो सब अगर वाटर में किसका कलर, येलो कलर के कारण, उसके कारण ह्यूमिक एसिड के कारण वाटर का कलर, जैसे किसमें वेजिटेबल मटेरियल्स वगैरह भी ये सब में आ सकता है, ठीक है, तो उसके कारण येलो ब्राउन कलर होता है वाटर का, ठीक है। तो ये कलर आप आराम से लिखिए, बोले कि अपीयरेंट कलर होता है सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड के कारण अपीयरेंट कलर वाटर का, एक बहुत बार पूछा है। ट्रू कलर वाटर में क्या होता है, जो नॉर्मल वाटर, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें तो वो डिजॉल्व सॉलिड की, डिजॉल्व सॉलिड के कारण उसका ट्रू कलर होता है, ठीक है। इसको लिखिए, इसको बर्गर स्केल पे मेजर करते हैं, किस पे मेजर करते हैं, बर्गर स्केल पे। चौथा फिजिकल पैरामीटर है आपका वाटर में टेम्परेचर, किस क्या है टेम्परेचर, तो सबसे पहले टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में। अब बात करते हैं टेम्परेचर जो है इफेक्ट होता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन के कारण, टेम्परेचर क्या होता है इफेक्ट होता है वाटर का। अब बात करते हैं वाटर टेम्परेचर जो है मेजर किससे करते हैं, टेम्परेचर मेजर करेंगे हम थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम वाटर का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड या पोटेबल वाटर जो होता है, हम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक के वाटर को हम पोटेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड हम मानते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड होता है। तो कलर आई हो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कलर सबसे ज्यादा अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वाटर में तो कितने टेम्परेचर पे होता है, तो 20 डिग्री से एवं टेम्परेचर पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वाटर का। इसको आप लिखिए पांचवा नंबर है आपका टेस्ट एंड ऑर्डर। तो वाटर को हम टेस्ट करके इसका टेस्ट को पता नहीं कर सकते हैं, उसमें केमिकल भी हो सकता है, पॉइजन्स भी हो सकता है, मर सकते हैं आप, तो इसके लिए दो चीज आया, डायरेक्ट टेस्ट करके इसको वाटर को टेस्ट नहीं कर सकते, ऑर्डर एक और आया ऑर्डर। तो ये जनरली अब देखिए वाटर में टेस्ट एंड ऑर्डर जो है कौर डिजॉल्व गैसेस के कारण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, H2S के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, मीथेन के कारण, मीथेन के कारण, एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट के कारण होता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जैसे डेड बॉडी वाटर में दहा दिया, तो ये सब कारण वाटर का टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है। अब इसको मेजर क्या चीज से करते हैं बाबू, इसको मेजर करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर को मेजर करते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑस्मोस्कोप, इसको मेजर करते हैं ऑस्मोस्कोप के द्वारा एक्सप्रेस, और इसको एक्सप्रेस करते हैं TON में, क्या चीज में एक्सप्रेस करते हैं TON में, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इसको एक्सप्रेस करते हैं TON में। अब देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड जो होता है 3 TON से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 TON से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का। अब TON को हम निकालते कैसे हैं, TON का एक फॉर्मूला होता है, देखेंगे याद रखिएगा आप लोग, TON का फॉर्मूला होता है A+B/A।
अब ए प्लस बी क्या है, फाइनल वाटर, फाइनल वॉल्यूम है वाटर का, और ए क्या है, इनिशियल वाटर है। ए प्लस बी है फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर और ए क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब बताते हैं इसको कैसे हम निकालते हैं, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखेंगे TOA वाटर का अगर हम निकालना होता है, कोई वाटर अगर स्मेल कर रहा है, उसका टेस्ट खराब है, सुगंध उसका खराब है, तो उसको मेजर कैसे, उसको हम दूर उसको कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट ए जो है वेयर, ए जो है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल है, जो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, जो वाटर क्या हो रहा है, वो स्मेल कर रहा है, उसका गंध खराब है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल है ए, और बी क्या है आपका, जो वाटर हम ऐड करेंगे तो इसको कहेंगे डिस्टिल्ड वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो इसको हम दूर कैसे करेंगे, TON अगर कोई वाटर टेस्ट उसका खराब है, तो ए हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ए वाटर स्मेल कर रहा, तो उसमें तब तक हम पानी मिलाएंगे, बी जो है डिस्टिल वाटर को तब तक मिलाएंगे जब तक का उसका स्मेल दूर ना हो जाए। तो अगर TON निकालना है तो ये फाइनल आपका वाटर हो गया, और ए इनिशियल वाटर जो आप स्मेल कर रहा था वाटर, उससे भागा दे देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा TON, वो आपका क्या निकल जाएगा, TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो ये वाटर कितना ऐड किए, जितना वाटर उसमें ऐड करने से उसका दुर्गंध खत्म हो जाता है, तो मुझे पता चलेगा कितना लीटर वाटर ऐड किए, तो उतना थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होगा, तो वाटर का उतना थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होगा, उतना से उसका स्मेल चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आज फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त किया। कल मैं आप लोग को बताऊंगा केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर, और आपको बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर भी कल समाप्त हो जाएगा। और आपका क्लास जो है, इधर क्लास मैं नहीं ले रहा था, थोड़ा सा वर्क ज्यादा था, इस कारण अब ये रेगुलर क्लास होगा, और आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको पूरा सिलेबस को खत्म करूंगा। और जाते जाते आप लोग को एक इंफॉर्मेशन ये है कि आज एक फादर्स डे भी है, तो बाबू फादर का आप तभी रिस्पेक्ट करोगे जब आप कुछ बन जाओ। तो बाबू जब आप बहुत छोटे थे ना, तो उसी समय से पापा आपके सपना पालने लगते हैं कि मेरे आगे का पगड़ी होगा, तो बहुत उम्मीद होता है बाबू। अगर सच में अगर आप बाबू जी से प्यार करते हो तो मन से पढ़ाई करो, ना कि इधर उधर हरियाली ज्यादा देखो, ठीक है, मन से पढ़ाई करो। अभी आप सिर नीचे झुका करके पढ़ोगे तो बाद में सबसे सिर ऊंचा आप ही का होगा, तो ये आपका नहीं आपके बाबूजी का होगा सिर ऊंचा, ठीक है। तो अगर सच में अगर प्यार करते हो बाबू अपने पापा से, तो सचमुच पढ़ाई करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और गुड नाइट। अब अगले क्लास में परसों लूंगा, और YouTube पे मैं बहुत जल्दी लाइव आऊंगा, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत जहां तक जिस कॉलेज में फैलाना है फैला दो, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।